स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड वील डिस्कस टूडे द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. द मेन क्रेडिट ऑफ क्लासिफिकेशन गोज टू मेंडलीव, और मेंडलीव ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया और किस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट एक वजूद रखता है. मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सही मायने में कोई बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स नहीं थे. मेंडलीव ने एक दो बातों को एक्सप्लेन नहीं किया, बट द क्लासिफिकेशन वॉज स्ट्रॉन्ग. द बेसिस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड द ग्रेजुअल चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. Because of the wrong basis that chemical properties depends on atomic mass, ये बात तो खैर गलत ही है. That chemical properties depends on atomic mass. Chemical properties does not depends on atomic mass. The chemical properties depends on atomic number, because by the atomic number we decide the number of electrons. By the number of electrons we carry out electronic configuration, and the chemical properties depends on electronic configuration. On the atomic mass, the physical properties depends. In modern periodic classification, the elements are arranged on the basis of increasing atomic number. तो जो defects मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आ गया और दुनिया की नजर में वो एनोमलीज है, वो शॉर्टकमिंग्स है, वो लिमिटेशंस है, दे गॉट करेक्टेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. पहली बात, द बेसिस इज राइट दैट केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, बिकॉज बाय द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And by the number of electrons, we carry out electronic configuration. And the chemical property depends on electronic configuration. It is the electronic configuration that explains whether that element is a metal or a non-metal, whether that is a more reactive or that is whether that is the less reactive. Ye sab electronic configuration explain karta hai. Second point, the position of isotopes is explained. The position of the isotopes is explained. How it is? Isotopes क्या है? जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है. दूसरा कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 14 है. Isotopes are the elements, atoms of the same element which have same atomic number. But the different mass number, they are the isotopes. As the basis of the table, the basis of the Mendeleev periodic classification is increasing atomic mass. So carbon with atomic mass ki position, carbon with atomic mass 12 ki position alag honi chahiye, carbon with atomic mass 14 ki position alag honi chahiye. This Mendeleev couldn't explain. In the modern periodic classification, as the elements are classified on the basis of increasing atomic number, इनका atomic number same है तो इनकी position भी एक आएगी. Okay? Point third, in the Mendeleev periodic classification, the basis is increasing atomic mass, and atomic mass does not increases unit wise. The gaps which were left by Mendeleev, they may be incorrect. कि मान लो एटॉमिक नंबर
सात के डिफरेंस पे दो एलिमेंट रखे गए हैं, हो सकता है कि वहां पर एक एलिमेंट की डिस्कवरी होती या तीन एलिमेंट की डिस्कवरी होती, बिकॉज एटॉमिक मास डज नॉट इंक्रीजेस यूनिट वाइज। बट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट अप टू एटॉमिक नंबर 6 तक डिस्कवर्ड है, 7 और 8 डिस्कवर्ड नहीं है, 9 के बाद डिस्कवर्ड है, तो 7 के लिए एक बॉक्स खाली छोड़ा, 8 के लिए एक बॉक्स खाली छोड़ा, तो जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स होंगे उनकी पोजीशन करेक्ट होगी। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो गई। पॉइंट 4, द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। अब आप देखेंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर, एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 पे आप देखेंगे, पीरियड नंबर 4 के अंदर, कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है तो वो पहले आएगा, और निकल है उसका एटॉमिक नंबर 28 है तो वो बाद में आएगा। जबकि इन द मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन थी कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है और निकल का एटॉमिक मास कम है, तो वहां पर एक चैलेंज था, वहां पर ये शॉर्टकमिंग थी। सो इन द मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग बेसिस, दैट इज व्हाट द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, what were the anomalies, the shortcomings, they were introduced, they got corrected in the modern periodic classification by arranging the elements on the basis of increasing atomic number. Okay? Lekin aaj bhi modern periodic classification ke andar position of hydrogen ye iski shortcoming hai. और अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके फीचर्स डिस्कस करवाऊंगा। फीचर्स डिस्कस करके और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप याद किस तरह से रखें हम ये डिस्कस करेंगे बेटे। तो स्क्रीन के ऊपर पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, जो वर्टिकल कॉलम्स है दीज आर ग्रुप्स, जो वर्टिकल कॉलम्स है दे आर द ग्रुप्स। सो देर आर 18 ग्रुप्स। लेकिन मैं आपको 18 ना करके 8 ग्रुप को लेके एक्सप्लेन करवाऊंगा, जिससे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी को निकालने में इजी रहे। जो बेटा फर्स्ट ग्रुप है उसको फर्स्ट ए बोलेंगे, जो सेकंड ग्रुप है उसको सेकंड ए बोलेंगे, आप करते चलें। जो 13th है उसको थर्ड ए बोलेंगे, 14 को फोर्थ ए, 15th फिफ्थ ए, 16th सिक्स्थ ए, 17th सेवन्थ ए, 18th एट्थ ए। ये है ए ग्रुप एलिमेंट्स। और जो 3 से 12 है ये है बी ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, इन दिस टेबल आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है,
लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम को ब्लू बॉक्स में रखा हुआ है, यू सी ऑन द स्क्रीन, लेकिन हाइड्रोजन का बॉक्स अलग रखा हुआ है, कलर अलग है, इसका मतलब कुछ पंगा है। तो लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स है और हाइड्रोजन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, उसको यहां पर रखा गया है। आज तक मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ये कमी है, इसकी वो पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट एक्सप्लेन जरूर कर रहा है। क्या कहता है वो, बिकॉज ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट ग्रुप, कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है, इसीलिए हाइड्रोजन को इसके टॉप पे रख दिया गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज है चलती है लेफ्ट से राइट, उनको बोलेंगे पीरियड्स। सो देर आर सेवन पीरियड्स, देर आर सेवन पीरियड्स। नाउ आप देखेंगे कि पीरियड वन के अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड टू के अंदर एट एलिमेंट्स हैं। पीरियड के अंदर, बेटे मैं पीरियड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट चलते हैं भाई, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स भरा हुआ है, दो ये है और 13 से लेकर 18 तक है, छह बॉक्स वो भरे हैं, तो 6 2 8। पीरियड थर्ड के अंदर भी 8 एलिमेंट है। पीरियड 4 के अंदर 18 है और पीरियड 5 के अंदर 18 है, क्योंकि 18 ग्रुप है और 18 के 18 बॉक्स भरे हुए हैं। तो पीरियड 4 में भी 18 एलिमेंट है और पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट है, राइट। लेकिन पीरियड 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स है, 32। आप देखेंगे कि टेबल के बॉटम में लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स दो सीरीज रखी गई है। यह है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या है ये, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पीरियड 6 में आप देखेंगे सीजियम विद एटॉमिक नंबर 55, बेरियम विद एटॉमिक नंबर 56, लेंथेनम विद एटॉमिक नंबर 57, वहां से सीधा जंप है हाफनियम 72। तो लेंथेनॉइड्स को नीचे देखो, इसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है, उसकी पोजीशन 57 से 72 के बीच में है। यह ऐसा क्यों किया गया, इस टेबल को शेप देने के लिए। अगर लेंथेनॉइड्स को पीरियड 6 में इंट्रोड्यूस कर देते तो जो टेबल की जो शेप है इतनी सुंदर ना दिख के, वो एक कमजोर मुर्गी की तरह दिखती, जिसका सिर छोटा सा हो जाता और शरीर बहुत चौड़ा हो जाता, पंखों की तरह फैल जाता। पीरियड नंबर 7 के अंदर आप देखें 87, 88, 89, उसके बाद सीधा जंप है 104 का। तो नीचे जो एक्टिनॉइड्स है विद एटॉमिक नंबर 90 से 103, वो 89 से 104 के बीच में इंट्रोड्यूस होंगे। सो लेंथेनॉइड्स बिलोंग्स टू पीरियड 6 एंड एक्टिनॉइड्स बिलोंग्स टू पीरियड 7। क्लियर हो गई बेटा बात, ओके। आगे आप डिस्कस करेंगे कि इस टेबल के अंदर लेफ्ट साइड पे है मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स है,
जो ब्लू कलर के बॉक्सेस आपको दिखा रखे हैं, यह है एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स वो हो गई जो एल्केलीज बनाती हैं। मतलब ये हुआ, दिस मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, देयर मेटालिक ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म एल्केली। ए वाटर सोल्यूबल बेस इज नॉन एज एल्केली। और जो ग्रुप टू है वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोला गया है कि दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। तो ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर आप देखेंगे टेबल के अंदर कि जो येलो कलर के बॉक्सेस हैं, ये है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स उनको बोलेंगे, दे हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटलॉइड्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये है मेटलॉइड्स विच हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भाई हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहते हैं तो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स रखते हैं, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होती कम होती चली जाती है और मेटलॉइड्स आ जाते हैं। और मेटलॉइड्स को क्रॉस करते हैं जो रेड कलर के बॉक्सेस को दिखा रखे हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। तो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स है वो टेबल के लेफ्ट पे रखे गए एक्सट्रीम लेफ्ट पर, मोस्ट नॉन मेटालिक है वो टेबल के एक्सट्रीम राइट पे रखे गए हैं। द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय येलो कलर बॉक्सेस विच आर द मेटलॉइड्स। ये टेबल के कुछ फीचर्स हैं। आप लास्ट के अंदर देखेंगे एक ग्रीन कलर की पट्टी चिपका रखी है जिसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये है नोबल गैसेस। द नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। पहला रीजन, दे आर फाउंड इन वेरी लो कंसंट्रेशन। दूसरा रीजन, दे आर अनरिएक्टिव। इन दो बातों के कारण नोबल गैसेस की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई, और जब इनकी डिस्कवरी हुई तो कोइंसिडेंसली परमात्मा की दया से इसकी पोजीशन सबसे लास्ट में ही बनी। इट डिडंट डिस्टर्ब द प्रीवियस अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। और यही मेंडलीव को एक बहुत बड़ा भगवान फेवर कर जाते हैं, राइट? अब आपको ये टेबल याद भी होनी चाहिए। तो टेबल याद करने का हमारा तरीका है कि जैसे ग्रुप फर्स्ट है उसको आप किस तरह से याद करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप को याद करेंगे, ग्रुप फर्स्ट हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, लिखें, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो एच एल आई एन ए हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ये हो गया हेलिना। के फॉर की रूबीडियम, हो गया रूबी से फ्रेंडशिप। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, याद होएगा? सेकंड ग्रुप, बेटा मांगे कार, सुंदर
बापू राजी, बेटा मांगे कार सुंदर बापू राजी। तो बेरिलियम फॉर बेटा, मैग्नीशियम फॉर मांगे, कैल्शियम एंड कैल्शियम फॉर कार, स्ट्रोंटियम फॉर सुंदर, बेरियम फॉर बापू, रेडियम फॉर राजी। बेटा मांगे कार सुंदर बापू राजी, ताकि बेटा अच्छे से बिगड़ जाए। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 13, जिसको मैं बोलूंगा थर्ड ए। बाबा अली गए इंडिया थैला लेके, ग्रुप थर्ड। बाबा अली गए इंडिया थैला लेके, बाबा अली गए इंडिया थैला लेके। सो बाबा फॉर बोरोन, एल्यूमिनियम फॉर अली, गैलियम फॉर गए, इंडियम फॉर इंडिया और थैलियम थैला लेके। बाबा अली गए इंडिया थैला लेके। ग्रुप 14, ग्रुप 14 है कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। अब ये क्लास में पंडित बैठे हुए, इनको तो पूरा समझ में आ रहा होगा। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। देखो बेटा, कार्बन फॉर कार्तिक, सिलिकॉन फॉर शिव, जर्मेनियम फॉर गणेश, टिन फॉर संग एंड लेड फॉर पार्वती। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। ग्रुप 15, ग्रुप 15, नाना पापा आशु सब बीमार। नाना पापा आशु सब बीमार, कोरोना हो गया। नाना फॉर नाइट्रोजन, पापा फॉर फास्फोरस, आशु फॉर आर्सेनिक, एंटीमोनी एंटीमोनी का सिंबल SB, तो सब, और बिस्मत बीमार। नाना पापा आशु सब बीमार। ग्रुप 16, उससे टेपो। किसे टेपो? उससे टेपो। किसे टेपो? उससे टेपो। ग्रुप 6, उससे टेपो। किसे टेपो? उससे टेपो। इट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17, फेस CBI एट होम, बड़े आदमियों। ग्रुप 7, फेस
फेस सीबीआई एट होम। फेस सीबीआई एट होम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटाइन। ये हो गया ग्रुप 7, दैट इज व्हाट 17। और ग्रुप 18 है, 8th है, वो आपको याद रह ही सकता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड हाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेड करेक्शंस ऑफ द मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दैट इज व्हाट वर द डिफेक्ट्स और द एनोमलीज लिमिटेशन दे वर प्रेजेंट इन मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दे गॉट करेक्टेड बाय द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ओनली बाय चेंजिंग द बेसिस, दैट इन द मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन द एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक मास एंड हियर द एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर। सो वॉट वर द एनोमलीज विच गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दे गॉट करेक्टेड in the Mendeley's periodic classification, they got corrected into the modern periodic classification. We have discussed today the features of the modern periodic table and we have discussed today how to memorize the modern periodic classification. So modern periodic classification ko table ko aap yaad karke aaye. नेक्स्ट क्लास के अंदर विल डिस्कस द ग्रेजुअल चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, द ट्रेंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप और व्हाइल गोइंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, थैंक यू।